राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट द्वारा नागपुर के जनता को राजस्थान में निवेश करने के लिए आह्वान किया है, जिसके लिए नागपुर में सेंटर पॉइंट होटल में 5 फरवरी को 3 से 5 बजे तक एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नामक एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ऐसी जानकारी रिको के रीजनल मैनेजर विवेक गुप्ता ने आयोजित पत्र परिषद में दी है। हमने राजस्थान सरकार ने अभी एक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम जारी की है, जिसमें हमने मेजर ये कर रखा है कि एक तो इन्वेस्टमेंट सब्सिडी हमने दी है, जिसमें हम 75% इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दे रहे हैं। स्टेट का जो टैक्स है जो पेड कर दिया और जो टू बी पेड करना है, और 100% हम एग्जम्पशन दे रहे हैं ऑन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे। उसके बाद 100% हम एग्जम्पशन दे रहे हैं उनको जो लीज डीड करवाते हैं उसकी स्टैम्प ड्यूटी पे, जो रजिस्ट्री करवाते हैं चार्जेस हैं वो चार्जेस जो है स्टैम्प ड्यूटी के वो 100% एग्जम्पशन है। इसी प्रकार हम 100% एग्जम्पशन उनको दे रहे हैं कोई भी लैंड यूज़ कन्वर्ट करवाता है उस पर भी देयर विल बी नो कन्वर्जन चार्जेस। ये है और ये 4-7 ईयर्स तक हमारी स्कीम है। उसके बाद में अदर बैकवर्ड क्राइसिस हमने फर्दर इसको 2 ईयर्स एक्सपांड कर दिया है। इसके अलावा हम जो 34 न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज हम न्यू लॉन्च करने वाले हैं, और जिसके लिए मेन जो है हमारी जोधपुर के आगे एक बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पे पचपदरा में एक ऑयल रिफाइनरी लगने वाली है, जो कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट की बहुत ही प्रोमिनेंट इंडस्ट्री में से है, जिसमें 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना है। उसके पास में ही हम एक इंडस्ट्रियल इंटीग्रेटेड जोन IIZ एक स्थापित करने जा रहे हैं, जिसपे हम रिफाइनरी से संबंधित जितने भी बाई प्रोडक्ट्स हैं उसके संबंधित उद्योग वहाँ पर स्थापित हो सकेंगे। हाँ, SEZ में भी हम जैसे है आपको मैंने बताया कि अदर टैक्सेस है, जैसे इनकम टैक्स में छूट मिलती है उनको, इलेक्ट्रिक एग्जम्पशन में भी छूट मिलती है, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं अभी तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक ड्यूटी की बात करी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस में भी छूट देते हैं। तो जो भी उसमें सरकार की तरफ से स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जो छूट है उसका भी हम उसमें प्रोविजन रखते हैं।